सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज की सबसे बड़ी खबर जो कि हमीरपुर से, कार चोर दो सातिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में। सवारी बनकर कार से लिफ्ट मांगते थे, फिर देते थे लूट की घटना को अंजाम। बीते कुछ दिनों पूर्व 8 तारीख को हमीरपुर शहर के लक्ष्मीबाई चौराहे से स्कॉर्पियो में यात्री बनकर बैठते थे चार अपराधी। थोड़ी दूर चलकर सुमेरपुर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो लूटकर हो गए थे फरार। पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस की गाड़ी को भी की थी फायरिंग। पुलिस ने दो अपराधियों को तमंचे के साथ 16 तारीख को भेज दिया था जेल। स्कॉर्पियो मौके से हुई थी बरामद। आज पुलिस ने बचे हुए दो अपराधियों को दो तमंचे और एक मोटरसाइकिल के साथ किया बरामद। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। यूपी ताजा न्यूज के लिए ये थाना सुमेरपुर अंतर्गत दिनांक 8/9/2019 को एक घटना हुई थी जिसमें सवारी बन के कुछ चार लोगों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को सवारी के नाम पर बैठे और उसके बाद उस गाड़ी को उन्होंने ड्राइवर को अपना बंधक बना के और गाड़ी को ले गए और ड्राइवर को यहाँ पे रास्ते में डाल दिए थे। इसी पर तत्काल पूरे जनपद में DCR के माध्यम से संदेश किया गया तो PRB की गाड़ियों थाना की जो टीम है उनके द्वारा चेकिंग की गई। उसी चेकिंग में पूरा ये गाड़ी का पीछा किया गया तो गाड़ी थाना जो कदौरा है वहाँ पे वहाँ की PRB की गाड़ी और हमारे जो थाना कुरारा की जो टीम है उसके द्वारा पीछा किया गया तो वहाँ पे लहरा गांव में गाड़ी मिल गई थी लेकिन जो अपराधी है वो वहाँ से अंधेरे का फायदा उठाते भाग गए थे। उसी में आज दो अपराधियों को पकड़ा गया, एक का नाम है रवि प्रधान और एक है रवि वर्मा। दो अपराधियों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया था कि उनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी। इनके साथ में एक पुराने नाम के जो अपराधी हैं और एक धीरू, ये दो और अपराधी थे साथ में जो कि उस दिन उस घटना को अंजाम देने में लोगों का भूमिका थी। पुराने और धीरू पहले अभी थाना कुरारा अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले तमंचे के साथ में गिरफ्तार किए गए थे और इनको गिरफ्तार करके पुलिस ने NDPS और तमंचे के साथ में गिरफ्तार करके पुलिस ने इसको 16 तारीख को जेल भेज दिया गया था। उन लोगों का भी PCR लेकर उनसे भी इस गाड़ी के बारे में जानकारी की जा रही है। इस तरीके से ये जो घटना लूट की घटना हुई थी उसका खुलासा किया जा रहा है। दो अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से दो तमंचे और एक मोटरसाइकिल इनके पास अवैध तरीके से रखना पाया गया है। उनको भी मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के लिए SWAT टीम को, थाना सुमेरपुर की टीम को और जो थाना कदौरा की जो PRB थी उनको भी मेरे द्वारा इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।